मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट बायोडाइवर्सिटी. इट इज़ द टॉपिक ऑफ यूनिट 3, सब्जेक्ट ट्रिपल ई. बायोडाइवर्सिटी, नाउ वी अंडरस्टैंड सेपरेटली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो. बायो मीन्स लाइफ. हमारे चारों तरफ की जो लाइफ हम जो देखते हैं, जिसमें इंसान है, एनिमल्स हैं, एनवायरनमेंट है, दैट इज लाइफ. देन सेकेंड वर्ड इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी. आप देखते होंगे कि सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ अंतर है. एनिमल्स अलग हैं, ह्यूमंस अलग हैं, पेड़ पौधे अलग हैं, और उनमें भी वेरिएशंस हैं. अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग उनका अपीयरेंस है. तो वेराइटी मीन्स डाइवर्सिटी. तो दीज टू वर्ड्स कंबाइंडली कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि हमारी जो लाइफ की जो विभिन्नता है, उसको हम बोल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी. तो आई अगेन रिपीट, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी. कंप्लीट वर्ड इज बायोडाइवर्सिटी. इट इज वेरी गुड टॉपिक एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम द दिस टॉपिक. नाउ अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स टाइप्स. बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. एज आई टोल्ड यू, फॉर एनी काइंड ऑफ एनिमल और प्लांट, each individual is not exactly the same as any other, nor are species or ecosystems. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी एक दूसरे से अलग हैं. Biodiversity is generally described at 3 levels: genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity. इसका मीनिंग है कि बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल होते हैं, या आप बोल सकते हैं 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड वन इज स्पीसीज डाइवर्सिटी, एंड थर्ड वन इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. दिस इज अगेन अ स्मॉल डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स. The different plants, animals and microorganisms, their genes and the ecosystem of which they are a part. You can write in exam this small definition. As I already told you, there are 3 types of biodiversity. A question can come in exam: what are the types of biodiversity? So you can write in your answer, there are 3 types of biodiversity. First one is genetic biodiversity, second is species biodiversity, and ecosystem biodiversity. Let us understand one by one. First one is genetic diversity. You can also call genetic biodiversity. Genetic diversity is variation of genes, that is the total genetic information contained in the genes of all species. यहाँ पे मैं आपको और समझाना चाहूँगा कि genetic diversity का मतलब है कि आप देखते हैं कि एक ही जीन में आप देखते हैं कि अलग अलग आपको वेराइटी मिलती है. जैसे मान लीजिए चूहा है, तो आप देखेंगे कि सफ़ेद चूहा अलग है, ब्लैक चूहा अलग है, ब्राउन अलग है, और उसमें भी आपको साइज़ के हिसाब से उनमें आपको वेरिएशंस मिलेगा. यानी प्रजाति तो एक ही है, चूहा है वो, लेकिन आपको अलग अलग वेराइटी के मिलेंगे. आपको देशी चूहा अलग मिलेगा, जंगली अलग मिलेगा, और उनके थोड़े थोड़े बिहेवियर में और उनके फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको अंतर मिलेगा. या हम इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. जैसे मान लीजिए
रोज, रोज यानी गुलाब। तो गुलाब एक जीन है, एक प्रजाति है, लेकिन अलग अलग तरह के गुलाब आप देखेंगे, लाल गुलाब, काला गुलाब, सफेद गुलाब। तो ये जो वेरिएशन है इसको हम बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कैटेगरी तो एक ही है गुलाब, लेकिन उनमें कुछ वेरिएशंस हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि उनके जीन्स में अंतर है, तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। कई बार बायोडाइवर्सिटी को शॉर्ट में डाइवर्सिटी भी बोल दिया जाता है। सेकंड इज स्पीसीज डाइवर्सिटी, दैट इज वेराइटी ऑफ लिविंग स्पीसीज। जितने भी लिविंग स्पीसीज हैं आप देखेंगे उनमें अंतर है। कुत्ता बिल्ली से अलग है, शेर भेड़िए से अलग है, हिरण गाय से अलग है, बकरी अलग है, घोड़ा अलग है, ऊंट अलग है। तो ये जो वेरिएशन आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन एन इकोसिस्टम। तो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल। थर्ड वन इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। दिस टॉपिक हैज ऑलरेडी कवर्ड इन यूनिट सेकेंड। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं, जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी समुद्र पानी से संबंधित, डिजर्ट इकोसिस्टम जहाँ पर रेगिस्तान है, एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम जहाँ पर पेड़ पौधे हैं। तो ये जो अलग अलग जो इकोसिस्टम है इसमें भी आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं। रेगिस्तान अलग है, फॉरेस्ट अलग है, समुद्र अलग है, वहाँ की जो लिविंग स्टाइल है वो अलग है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो वेरिएशन है, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। वेरिएशन ऑफ इकोसिस्टम इज द वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, नेचुरल कम्युनिटीज एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न्ड इन टुडेस सेशन, आई रिपीट फ्रॉम फर्स्ट वन, we learned today what is the meaning of bio, what is the meaning of biodiversity, then the concept of biodiversity, what is the meaning of bio and diversity separately we discussed, and types of biodiversity, and in the category of biodiversity we studied genetic, species and ecosystem. So this is the today's session, and we will meet again in next topic, in next session. So this is over for today. Thank you.